बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामिन कराम ख़रीदो फ़रोख्त में बरक़त के लिए आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं या फरोख्त करना चाह रहे हैं आप उसमें खूब मुनाफ़ा लेना चाहते हैं आप प्रॉपर्टी का, का काम करते हैं या सेल परचेज़ का, का काम करते हैं दुकान है आपकी कोई बिज़नेस है आप रोज़ाना की बुनियाद पे गाहकों के साथ मामला करते हैं कुछ लेते हैं कुछ देते हैं लेने के लिए भी मुनाफे की ख्वाहिश होती है देने के लिए भी मुनाफे की ख्वाहिश होती है हर एक के दिल में होती है कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ उसमें मुझे मुनाफ़ा मिले और अगर दे रहा है तो भी ख्वाहिश होती है कि मैं ये चीज़ जो बेच रहा हूँ इसमें मुझे अच्छा ख़ासा मुनाफा दे जाए गाहक तो ये ख्वाहिश अच्छी है बुरी नहीं है खुशहाल घराने के लिए अच्छी बात है मगर के हलाल बुनियादी शर्त है ख़ूनखार दरिंदा बनकर किसी का खून न चूसे मुनाफ़ा ज़रूर कमाए शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है तो इसके लिए आप तीन दफ़ा सूर हजर पढ़ें तीन दफ़ा सूर हजर पढ़ें जो कि पारा नंबर चौदह की पहली सूरत है इन तीन दफ़ा सूरत हजर पढ़ के जब आप घर से निकलेंगे तो आपको ख़ूब मुनाफ़ा होगा खरीदो फरोख्त में सेल परचेज़ में लेन देन में कोई चीज़ बेचेंगे या ख़रीदेंगे ख़ूब कामयाबी होगी अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा चाहे आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या आपकी किराना की दुकान है या कपड़े जूते की दुकान है कोई भी दुकान हो इन खूब मुनाफा हासिल करेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए असलकुम वरह लि